वर्षा समाप्त हो चुकी थी, बाढ़ का भय भी दूर हो चुका था। नर्मदा का जल हिलोरे लेता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। ग्राम निवासियों ने अपने अपने निवास स्थान पर आकर फिर से अपना अपना कार्य संभाल लिया था। सुनसान हुए ग्राम में अब फिर से चहल पहल आरंभ हो गई थी। बाढ़ के कारण योगीराज गोविंदपाद की समाधि भंग हो गई होगी, कनी श्रद्धालु भक्तों ने बूढ़े सन्यासियों से पूछा। सुना है गुफा के समीप तक नर्मदा की बाढ़ का जल आ गया था, मारे गुरुजी की समाधि भंग नहीं हुई थी। बूढ़े सन्यासियों ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने वह बाल सन्यासी देखा है? देखा है महात्मन, उसके मुख पर अनूठा ही तेज बरसता है। सब कहते हैं किसी देव अंश ने हम जैसों का उद्धार करने को इस मृत्युलोक में जन्म लिया है। तुम ठीक कह रहे हो, गुरुजी की उस पर इसी कारण विशेष कृपा है। अरे भाई, तुम तो बाढ़ के विषय में पूछ रहे थे, वह बात बीच में ही छोड़ दी। दूसरे भक्त ने बूढ़े सन्यासी की ओर देखते हुए कहा, कया योगीराज की समाधि भंग नहीं हुई? नहीं हुई भाई, हमारे गुरुजी की समाधि भंग नहीं हुई, उस अलौकिक शक्ति वाले बाल सन्यासी ने ही बाढ़ का जल गुफा के अंदर जाने से रोक दिया। एक घड़ा कुंभ गुफा के द्वार पर रख दिया था। क्या कह रहे हो सन्यासी जी, एक घड़ा गुफा के द्वार पर रखने से नर्मदा का बाढ़ का जल गुफा के भीतर नहीं गया? तुम भीतर जाने की बात कर रहे हो, घड़े के समीप आकर नर्मदा की बाढ़ का जल ही समाप्त हो गया बटा। दूसरा सन्यासी मुस्कराया, सचमुच विश्वास करने योग्य घटना नहीं थी, पर हमने तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। बूढ़े सन्यासी ने मुस्कराते हुए कहा, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, अब हम जा रहे हैं, तुम्हें अवकाश मिले तब उधर आ जाना। उस अलौकिक शक्ति के चमत्कारी बाल सन्यासी को देखने के लिए तो हम सदैव तैयार हैं महात्मन, उसे देखते हुए हमारी आंखें तृप्त ही नहीं होती। दूसरे श्रद्धालु भक्त ने बूढ़े सन्यासी के चरण छते हुए कहा, अब चलूं महात्मन, आप सबके समीप आकर सत्संग करके फिर संसारी बातों में मन नहीं लगता। गृहस्थी को अपना कर्तव्य डॉट भी पूरी निष्ठा से करना चाहिए भाई, कर्तव्य पालन करना हमारा धर्म है, इसी से मानव का उद्धार होता है, यही शास्त्रों में भी लिखा है बटा। कहते हुए बूढ़े सन्यासी अपने निवास स्थान पर चले गए। श्रद्धालु भक्त उस अलौकिक चमत्कारी बाल सन्यासी के दर्शन करके उसके विषय में बातें करते अपने घर की ओर चल पड़े। अभी तक बाल सन्यासी शंकर के विषय में सुना था, अब तो प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लिए। कितना छोटा सा बालक है, लगभग 10-11 वर्ष की आयु होगी, पर मुंह पर इतना तेज है, बड़ी आयु वाले सन्यासियों के मुख पर भी वैसा तेज नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब उसका पुनः उद्धार करने को मैं अवतार लेता हूँ। कहीं यह वही तो नहीं, सोचते हुए श्रद्धालु भक्त फिर दर्शन की लालसा लिए चले गए। योगीराज गोविंदपाद जब समाधि से उठे, उन्होंने देखा उनका बाल सन्यासी शंकर उनके चरणों में समाधि अवस्था में बैठा हुआ है। योगीराज ने शंकर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, शंकर ने आंखें खोली और अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। गुरुजी की समाधि खुल गई, सभी सन्यासी एकत्र हो गए, उन्होंने बारी बारी से गुरु के चरणों में मस्तक झुकाया। सब ठीक रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, योगीराज ने मुस्कराते हुए पूछा, कोई नई सूचना तो नहीं? गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से सबकुछ जान लेते हैं, शंकर ने मुस्कराते हुए कहा, अब की बार नर्मदा ने गांव वालों की अधिक हानि की। गुरुजी, बाढ़ का जल तो गुफा के समीप पहुंच चुका था। शंकर ने कंब घड़े को गुफा के समीप रखकर बाढ़ के जल को गुफा के भीतर आने से रोक दिया। गुरुजी, बाढ़ का जल कुंभ में समा गया। दूसरे सन्यासी ने योगीराज गोविंदपाद की ओर देखते हुए कहा, ग्रामवासी फिर से अपने निवासस्थान में आकर अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। इस बाल सन्यासी शंकर में अनूठी शक्ति छिपी हुई है गुरुजी। तीसरे सन्यासी ने शंकर की ओर देखते हुए कहा,
सारी आयु व्यतीत हो गई, हम में अब भी वह शक्ति नहीं आई। अभ्यास करते रहो, वह शक्ति भी आ जाएगी, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। सन्यासी बनने से सारी सिद्धियां नहीं आ जाती, साधना और लगातार अभ्यास से, एकाग्रचित से अपने कार्य में सफलता मिलती है। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, पर अब मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। अब तुम्हारा साधना का समय हो गया, तुम जाओ। योगीराज ने सभी शिष्य सन्यासियों को बाहर जाने का संकेत करते हुए शंकर को वहीं ठहरने का संकेत किया। सभी सन्यासी शिष्य बाहर की ओर चले गए। तब योगीराज ने शंकर के मस्तक पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, मैंने अपने गुरु गौड़पाद से सुना था, तुम मृत्युलोक में आकर धर्म का पुनरुद्धार करोगे, व्यासकृत ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रचना करोगे, पाखंड भरे मतों की पोल खोलकर अद्वैत वेदांत को उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने में सफल होगे। मेरे गुरु गीरपाद ने भी अपने गुरु शुकदेव के मुख से सुना था, उस विशिष्ट कार्य साधन के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सब वेदार्थ ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिपिबद्ध कर दो। सन्यासी बालशंकर की आंखों में हर्ष के आंसू छलछला आए, उन्होंने फिर अपने गुरु के चरणों में मस्तक झुका दिया। योगी गोविंदपाद यह जान चुके थे अब शंकर की शिक्षा समाप्त हो चुकी है। तब उन्होंने एक दिन शंकर को एकांत में बुलाया। शंकर ने आकर उनके चरण छूकर वंदना की। योगीराज गोविंदपाद ने शंकर को आशीर्वादी देते हुए कहा, शंकर, अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह तो नहीं रह गया है, कोई जिज्ञासा हो तो बताओ। गुरुदेव, शंकर ने नम्रता से झुकते हुए कहा, मुझे आपने पूर्ण मनोरथ कर दिया, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया है, आप अनुमति दें तो मैं एकाग्रचित होकर चिर निर्वाण लाभ करूं। शंकर की चिर निर्वाण की इच्छा सुनकर योगीराज गोविंदपाद ने मौन रहकर कुछ सोचा, फिर शंकर की ओर देखते हुए बोले, वत्स, वैदिक देवाधिदेव शंकर के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ उद्भित ब्रह्मज्ञान संस्थापन के लिए का उपदेश करने के लिए मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से सहस्र वर्ष से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, मैं समाधियोग से स्वस्वरूप में लीन हो जाऊंगा, तुम काशी धाम जाओ, वहां तुम्हें भवानी पति के दर्शन होंगे, वो जिस प्रकार का तुम्हें आदेश दें उसी प्रकार तुम उसका पालन करना, तुम जिस कार्य के लिए आए हो भवानी पति बता देंगे। शंकर मस्तक झुकाए चुपचाप अपने गुरु की बातें सुन रहे थे, उनके गुरु अब उनसे बिछुड़ने वाले हैं, यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, उन्होंने मुंह मोड़कर हाथ से आंसू पोंछ डाले और योगीराज गोविंदपाद से आज्ञा लेकर बाहर चले आए। दूसरे दिन योगीराज गोविंदपाद ने अपने सभी शिष्यों सन्यासियों को बुलाया और सभी को साधना उपदेश देकर आशीर्वाद दिया, फिर शांत होकर बैठ गए और समाधियोग द्वारा देहत्याग कर दी। शिष्यों ने अपने योगीराज गुरु पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाकर नर्मदा जल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सोनी गुफा देखकर शंकर की आंखों से अश्रुधारा बह चली, फिर अपने योगीराज गुरु का अंतिम आदेश मांगकर वो वहां से चलने की तैयारी करने लगे।